Hello and welcome my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So dear students, welcome back in our online class after a winter vacation. I hope आपने winter vacation को अच्छे से enjoy किया होगा. तो चलिए वापस शुरू करते हैं हमारी study, यानी कि पढ़ाई. Okay? क्योंकि rest कर लिया बहुत सारा, अब फिर से हमारी जो गाड़ी है वो पटरी पे ले आते हैं. Okay? तो dear students, before the winter vacation हमने हमारी संस्कृत की textbook से 8 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं और आज का हमारा चैप्टर है 9 चैप्टर जो है रिट लकार. आप अच्छे से जानते हो रिट लकार का मतलब जो होता है वो होता है भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला समय. और आज हम पढ़ेंगे उसका फ्यूचर टेंस का मध्यम पुरुष. आपको पता है तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, देन मध्यम पुरुष और देन उत्तम पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन. तो थर्ड पर्सन हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, 8 चैप्टर में. तो आज हमारा 9 चैप्टर जो है वो है मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि तुम दोनों, तुम सब. आपको पता है सेकंड पर्सन में तीन ही चीजें आती है, तुम दोनों एंड देन तुम सब. और आप ये भी अच्छे से जानते हो कि इन तीनों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं. तुम के लिए हम यूज करते हैं तुम, तुम के लिए तुम दोनों के लिए हम यूज करते हैं युवाम, और तुम सब के लिए हम यूज करते हैं यूयम. और ये फिक्स वर्ड्स होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है इनमें, कोई चेंजेस नहीं आता है. ओके, तो सेकेंड पर्सन में तीन ही होते हैं, तो आप इस लेसन में इन तीनों के बारे में ही आपको पढ़ना है. तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए मध्यम पुरुष तीनों वचन, सेकंड पर्सन ऑल नंबर्स. ओके, अब आपका पहला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ. टेक योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड. अगर आप टेक्स्ट बुक आपके सामने नहीं होगी तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए. जैसे जैसे बोलती हूँ आप भी उसकी तरफ ध्यान रखना, ठीक है. दिनेश तुम पठिष्यसि. और फ्यूचर टेंस में एक बात और बता दूं, जब भी आप जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ाती लिखते हो, फ्यूचर टेंस में हमेशा पीछे सीएसी लगता है, नहीं पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यन्ति, लाइक दैट, पठिष्यति, पठिष्यथ, पठिष्यन्ति, इस तरह से आता है. तो फ्यूचर टेंस को जो पहचानना होता है ना बेटा, बहुत इजी होता है, क्योंकि उसके पीछे श्यति, श्यत, श्यन्ति, सीएसि, श्यत, श्यत, इस तरह से लगता है. ओके, तो दिनेश तुम पठिष्यसि, दिनेश तुम पढ़ोगे. तुम गणितम पठिष्यसि, तुम गणित पढ़ोगे. तुम गणितज्ञ भविष्यसि, और तुम गणितज्ञ यानी कि गणित के शिक्षक भविष्यति यानी बनोगे, है ना. भविष्यति भविष्यकाल का मतलब, भविष्य का मतलब होता है बनोगे, है ना. तो तुम गणितज्ञ यानी कि गणितज्ञ तो कौन होता है, गणित का जो टीचर होता है वही होता है गणितज्ञ. तो गणितज्ञ बनोगे, गणित के टीचर बनोगे. नाउ सेकंड पैराग्राफ. हंस तुम जले तरिष्यसि, हंस तुम जल में. देखो जल में आया है तो जल के ऊपर एक ही मात्रा आ गई है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का यूज हुआ है, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में राम के ऊपर एक ही मात्रा आती है, रामे. तो वैसे ही जल में एक ही मात्रा आई है, जले. तो हंस तुम जले तरिष्यसि, हंस तुम जल में तरिष्यसि नहीं तैरोगे. मयूर तुम वने नृत्यसि, मोर तुम वन में नाचोगे. युवा प्रकृति प्रेमी स्थ, तुम दोनों प्रकृति के प्रेमी हो, है ना, तुम दोनों प्रकृति के प्रेमी हो. युवा का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, तुम दोनों. तो यहाँ पे तुम दोनों किस के लिए है, एक तो हंस के लिए और एक मोर के लिए. ओके, तुम सुख असि, तुम सुख का मतलब होता है तोता, तोता हो. तुम हरित असि, तुम कैसे हो, हरित यानी हरे, तुम हरे हो. तुम अश्वमेघ मधुर वदिष्यसि, तुम अश्व अवश्यमेव मधुर, सॉरी अवश्यमेव लिखा हुआ आया है यहाँ पे, यह नहीं आया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मिस प्रिंट है. तो अवश्यमेव यानी कि पक्का, यानी कि पक्का ही ऐसे कहते हैं ना, श्योर. तो तुम पक्का मधुर यानी मीठे, वदिष्यसि यानी बोलोगे, तुम पक्का मधुर बोलोगे. नाउ नेक्स्ट, नताशा तुम लेखिष्यसि, नताशा तुम यानी तुम, लेखिष्यसि मतलब लिखोगी, नताशा तुम लिखोगी. गीते त्वं पठिष्यसि, और गीता तुम पढ़ोगी. युवाम विद्यालयं गमिष्यथ, तुम दोनों विद्यालय जाओगे, है, तुम दोनों विद्यालय जाओगे. देखो बेटा एक बात और, पढ़ ही रहे हैं तो हम साथ साथ ये भी करेंगे. जैसे तुम के लिए पठिष्यसि आता है, ये मैं सिर्फ पढ़ धातु को लेकर ही बता रही हूँ, धातु आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर इस जगह पे.
पठिष्यथ एंड देन पठिष्यथ, सेम ही आता है बट आपको अच्छे से पता है कि द्विवचन में विसर्ग आता है, बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। ओके, तो ये तुम दोनों के लिए पटी लेवान के लिए पटिष्य का यूज होता है तुम दोनों के लिए। और यहाँ पे धातु आई है आपके गमिष्यति यानी गम धातु आई है, तो गम का क्या बन जाएगा, गमिष्यत विसर्ग यानी कि तुम दोनों विद्यालय जाओगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है सुधे तुम पुस्तक पठिष्यसि, सुधा तुम पुस्तक मतलब बुक पढ़ोगी। लते तुम लेखम लिखिष्यसि, लता तुम लेखम यानी लेख निबंध होता है ना उसको लेख कहते हैं, तो निबंध जो है वो लिखोगी। नताशे तुम चलचित्रम द्रक्ष्यसि, नताशा तुम चलचित्रम मतलब टीवी, टीवी पे जो पिक्चर्स आती है ना मतलब, तो चलचित्र में तुम टीवी द्रक्ष्यसि भी देखोगी। किम युवम अद्य विद्यालय गमिष्यत, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और किम से स्टार्ट हुआ है, किम का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बहुत सारा बताया हुआ भी है पहले भी, किम का मतलब होता है क्या, तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या यूयम यानी तुम सब अध्य का मतलब होता है आज, आज विद्यालय गमिष्यत विद्यालय जाओगे। देखो यहाँ पे थ के पीछे विसर्ग नहीं आया है ना, यहाँ पे देखो तो तुम सबके लिए क्या आता है यूयम, यूयम के लिए पीछे क्या आता है श्यथ, पीछे विसर्ग नहीं लगता है तो यहाँ पे गमिष्यत आया है यानी तुम सब विद्यालय, क्या आज तुम सब विद्यालय जाओगे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम गज असि, गज का मतलब क्या होता है हाथी, तुम हाथी हो। तुम मृगासि और तुम हिरण हो। यूयम वने गमिष्यत, तुम सब वन में जाओगे। यूयम वने चरिष्यत और तुम सब वन में चरिष्यत यानी कि चरोगे, पशु पक्षी तो चरते ही है वन में, खाना खाते हैं उनको, खाना खाने को क्या बोलते हैं चरना, तो वो सब चरते हैं तो तुम सब वन में चरोगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम काक असि, तुम कौवे हो। तुम पिक असि और तुम कोयल हो। तुम मधुरम वदिष्यसि, तुम मधुर का मतलब होता है मीठा, वदिष्यसि का मतलब होता है बोलना, तो तुम मीठा बोलोगे। युवा मधुरम न वदिष्यत, तुम दोनों मधुरम न वदिष्यत, तुम दोनों मीठा नहीं बोलोगे। अब एक्चुअली ये कन्वर्सेशन चल रहा है तो ये कि अकॉर्डिंग न लगा, न का मतलब होता है नहीं, तो बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोयल होती है वो आपको पता है मीठा बोलती है, कौवा मीठा नहीं बोलता है, तो इन दोनों के मतलब ऐसे कहा गया है कि तुम मधुर वदिष्यसि, तुम मीठा बोलोगी, और फिर बोला गया कि युवम यानी तुम दोनों मधुरम मीठा, न का मतलब नहीं, वदिष्यते यानी बोलोगे, तुम दोनों मीठा नहीं बोलोगे। ओके, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, फिनिश हो गया हमारा चैप्टर, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही इजी था, ज्यादा टफ भी नहीं था, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टफ नहीं था, सिर्फ तीन वर्ड का ही हमको ध्यान रखना है, तुम युवम और यूयम। ओके, और ये आपके मध्य पुरुष की जो है वो लाइन है फ्यूचर टेंस में, पठिष्यसि पठिष्यतः और पठिष्यथ। ओके, लाइक दैट आप किसी भी धातु को यहाँ पर लगा के इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ। ओके, इस तरह से आप जो है मध्यम पुरुष, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बेटा शब्दार्थ तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये जो धातु दे रखी है ना ये आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये धातुओं में सबसे बेस्ट थिंग ये दिया हुआ है कि धातु का आगे अर्थ भी दे रखा है और उस अर्थ के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष जो है वो तीनों का बनाकर भी दिया हुआ है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और एक्सरसाइज में आपको थोड़ी देर में फ्री करके भेजती हूँ बेटा, ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखिए। ओके, सो चिल्ड्रंस बाय बाय, हैव अ गुड डे।